डम्पलिंग्स कहिए या डिमसम्स कहिए या ग्योजा कहिए या शाओमाई बोलिए या बाओ बोलिए, नाम इसके अनेक हैं, बट हम पहचानते इसे मोमो से ही हैं। तो आज हम बनाएंगे मोमोस, पनीर मोमोस। मोमोस है तिब्बतन डिश, हम उसी स्टाइल में थोड़ा अपना इंडियन फ्यूजन को लेके हम उसको आज बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं, उससे पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हाँ सबसे जरूरी सब्सक्राइब कीजिए। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बनाएंगे डो, उसके लिए हम ले एक कप मैदा, इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा नमक और हम इसमें डालेंगे गरम पानी। आप इसमें ल्यू कम वाटर भी ले सकते हैं। इसमें होता क्या है, आपका जो भी स्टार्च होता है वो जेलेटिनाइज होना शुरू हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, आपको रोल आउट करने में बहुत इजी होता है, आप अपनी डिजायर शेप से आप रोल आउट कर सकते हैं और ये बाउंस बैक भी नहीं करेगा। तो इससे आपको रोल करने में अब जो रैप बनाएंगे बहुत इजी हो जाएगा। तो चलिए हम इसे कर लेते हैं पहले डो। डो को पहले अच्छे से मिला लीजिए। डो अभी बनने के लिए बस एक और मिनट लगेगा। देखिए हमारा डो रेडी हो गया है। देखिए पूरा फॉर्म डो है, तो हम डाल रहे हैं इसमें, तो बाउंस बैक कर रहा है। अब इसको हम कवर करके इसको डालेंगे रेस्ट पे। अब हम बनाएंगे इसका अंदर का फिलिंग। इसमें मैंने ले लिया अपना एक कप आपका जो क्यूब में काट के आपको पनीर फ्राई कर दिया, लिटिल फ्राई करके उसको मैंने रख दिया है। पनीर फ्राई करने से क्या होता है, उसके अंदर का जो आपका जो टेक्सचर है बहुत अच्छा आता है, ऊपर से थोड़ा सा हार्ड होता है, अंदर से पूरा जूसी रहता है। अब हम डालेंगे इसमें प्याज, पूरा फाइन चॉप्ड ऑनियन है। इसका रेशियो ऐसा होता है ना कि आप अगर मतलब 100 ग्राम ऑफ पनीर ले रहे हैं तो आप कम से कम 50 से 60 ग्राम का ऑनियन लेना चाहिए, नहीं तो वो उसका टेक्सचर जो रेशियो है वो बहुत बिगड़ जाता है और आपका टेस्ट वैसा नहीं आता जो बाहर का टेस्ट आता है। तो अभी हम थोड़ा सा इसे करेंगे मश। इसमें डालेंगे अभी नमक, थोड़ा सा व्हाइट पेपर, एक चम्मच लाइट सोया सॉस, दो से तीन आपका लिया है मैंने गार्लिक, थोड़ा सा जिंजर, दो चिलीज डाल देंगे सब इसमें। इसमें हमने डाला एरोमेटिक मिक्स, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि चाइना सॉल्ट कितना तबीयत के लिए खराब होता है। अगर आपके पास एरोमेटिक मिक्स नहीं है तो आप ये स्किप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा ब्लैक पेपर। अब इसे करेंगे अच्छे से मिक्स। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा कैप्सिकम या बेल पेपर्स डाल सकते हैं। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा क्यूमिन पाउडर, गिव इट ए गुड मिक्स। मसाला हो गया रेडी। अभी हम करेंगे इसको रोल आउट। कितना इजी है बेलने में, गर्म पानी डालने से यही होता है। नहीं तो आप अगर गर्म पानी नहीं डालेंगे तो ये क्या होता है, जब आप
रोल आउट करेंगे या तो अपने शेप में आ जाएगा या तो ऐसे मुड़ जाता है। तो गर्म पानी डालने से आपको ईजी होता है इसे रोल आउट करने में। अब जितना पतला चाहे उतना पतला भी आप रोल आउट कर सकते हैं। हमारा बन गया रेडी, हम जो ऐसे सारे रैप बना लेंगे। मोमो के रैप रेडी कर दिए मैंने, तो अब हम किसे करेंगे फोल्ड। मैं आपको दो से तीन इजी फोल्ड बताऊंगा। वो अपना रैप पूछिए, पनीर का स्कूप डालिए, स्कूप कीजिए 20 से फोल्ड। अब हर तरफ से कर दीजिए इसको टाइट। और आपको क्या करना है, ऐसे इसको पकड़िए, इसको यहाँ से घुमाइए, इसको यहाँ से घुमाइए, ये यहाँ हो गया, इसको कर दीजिए लॉक। और ये हमारा बन गया एक शेप। मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ, जिसको पकड़िए, इसमें डालिए फीलिंग। फीलिंग को हमेशा बीच में रखने का ट्राई कीजिए और ओवर फीलिंग भी मत कीजिए, जितना देना है उतना ही दीजिए। इसको कीजिए यहाँ से एक लॉक, हर तरफ से फोल्ड, इसको पकड़िए यहाँ से, ये पकड़िए लॉक। इसको हम कॉन्टिनेंटल में टॉर्टेलेनी फोल्ड बोलते हैं, जो कि पास्ता का एक फोल्ड का मेथड है। और ज्यादातर हमारे इंडियन इसको रोज शेप बोलते हैं। मैं आपको दूसरा एक शेप दिखाता हूं। फीलिंग डालिए, इसको कर दीजिए वैसे ही हाफ मून शेप में बंद। अब इसको करना क्या है, आपको यहाँ से ऐसे ऐसे इसको ऐसे कीजिए कीजिए, ये हो गया और एक शेप। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल। और एक बार दिखा देता हूँ, लीजिए फीलिंग डालिए, इसको कीजिए बंद, एक तरफ से नॉक कर दीजिए, इसको पकड़िए ऐसे कीजिए, ऐसे फोल्ड, ऐसे लीजिए ऐसे फोल्ड, ऐसे लीजिए ऐसे फोल्ड, ऐसे लीजिए ऐसे फोल्ड। हमारा शेप रेडी। इसको ज्यादातर ग्योजा बोलते हैं, जो फोल्ड है ये ज्यादातर जापान में ऐसे बनता है। मैं आपको और एक इजी स्टेप बताता हूँ। ऐसे लीजिए, सोलह डी बीच में, इसको कीजिए फिर से हाफ मून, पहले वाले हम जिस जैसे किए थे इसको भी ऐसे करना है, थोड़ा सा पहला और ये दूसरा मिला के ऐसे फोल्ड कर दीजिए, ये हो गया ऐसे नॉक, फिर इसको घुमाइए, इसको कीजिए नॉक, हो गया और एक इजी स्टेप था। इसको शाओमाई बोलते हैं और ये ओपन रहता है, बट हमें इसे क्लोज रखेंगे। हो गया हमारे तीन टाइप के इजी फोल्ड। अब हम करेंगे इसको स्टीम। अगर आपके पास मोमो स्टीमर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको इडली स्टीमर में बना सकते हैं या तो आप इसको पोच करके बना सकते हैं। गर्म पानी में डालिए, दो तीन बार मिनट बाद निकाल दीजिए। उसको हम वॉन्गटन्स बोलते हैं, जो मोमो का दूसरा एक वैरायटी है। या तो आप एक क्या कर काम कर सकते हैं, एक डेकची लीजिए, उसके ऊपर कपड़ा बांधिए, उसके ऊपर मोमो रखिए
और उसको कर दीजिए कवर, कोई भी थाली हो या तो अगर आपके पास कवर है कवर कर दीजिए। तो बहुत सारे वेराइटी है, जैसे आप मोमो बना सकते हैं विदाउट स्टीमर, मेरे पास स्टीमर है तो मैं आपको स्टीमर से बना के दिखा रहा हूँ, या तो आप दूसरा वे भी आप यूज कर सकते हैं। अब मोमो स्टीमर हो गया है गरम, अब हम डालेंगे अपना मोमो। तो गाइस हमारा मोमो बन गया रेडी। तो मैं आपको क्लोज से दिखाता हूँ।